नमस्कार, सभी का स्वागत है। यही वो तस्वीर है जो मनीष सिंह उर्फ मानिया सिंह है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा जिला से, जहां पर इसकी गिरफ्तारी नोएडा में एक पार्क से हुई है, जहां वो खाना खाकर घर जा रहा था। इसकी सूचना दरभंगा की पुलिस ने दिया है। बताया जा रहा है कि मनीष सिंह वो मुख्य आरोपी है, जिसके नाम से बिहार पुलिस मुख्यालय ने 1,00,000 रुपए की इनाम घोषणा किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये तो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मनीष सिंह के घर की तस्वीर दिखा रहे थे, जिसके घर पर कुर्की जब्दी हुई थी। और ये जो टाटा सफारी गाड़ी है, जिसमें गोलियों से छलनी किया गया है, वो उस दिन की तस्वीर है, 21 जून 2023 की। दिन दहाड़े निगम कर्मी अनिल सिंह सहित ट्रिपल हत्याकांड में फरार चल रहे 1,00,000 का इनामी शूटर मनीष सिंह को दरभंगा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले वर्ष 22 जून 2023 को दरभंगा नगर निगम के कर्मी सहित 3 लोगों की बहेरी थाना क्षेत्र के निमेठी में गाड़ी को घेरकर गोलियों की तड़तड़ाहट से भून डाला गया था, जिसमें तीनों की मौत घटनास्थल पर हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया है। मनीष सिंह फरार चल रहा था। दरभंगा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल सेल को लगा रखा था। शूटर मनीष सिंह का लोकेशन दिल्ली में मिलते ही दरभंगा की पुलिस दिल्ली पहुंच गई थी और गिरफ्तार कर ली है। इस मामले SSP जगन्नाथ रेड्डी ने बताया है कि नगर निगम के कर्मी अनिल सिंह की हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य शूटर मनीष सिंह के विषय में टेक्निकल सेल को उसकी दिल्ली में होने की जानकारी मिली थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए SI सुमन कुमार के नेतृत्व में एक टीम को दिल्ली भेजा गया था। तो इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर 1,00,000 का इनामी जो कुख्यात अपराधी था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे जेल भेज दिया गया है। जगन्नाथ रेड्डी SSP है, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। सर, 21 जून 2023 को एक ट्रिपल हत्याकांड भेड़ थाना क्षेत्र में हुआ था, इस मामले में अभी क्या अपडेट है सर? हमारा जो टीम दिल्ली गया था, पुलिस अवर निरीक्षक सुमन कुमार के नेतृत्व में गया था, उसमें हमारा टेक्निकल सेल भी था। तो टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सूचना मिला था कि मनीष सिंह एक अपराधी है, जिसका घर की कुर्की हुआ था, चार्जशीट कर दिया गया था। उनका सूचना मिला था वहाँ दिल्ली में, उसी के आधार पर उसका गिरफ्तारी किया गया। वो 1,00,000 रुपये का इनाम भी उनके ऊपर घोषित किया गया था। अब वो टोटल 10 लोगों का इसमें इन्वॉल्व था, 10 लोगों का चार्जशीट हो चुका है, इसमें और 3 लोगों का गिरफ्तारी बाकी है। अब चार्जशीट कर चुका है, बट उनको भी हम लोग लगे हुए। सर, मनीष सिंह की क्या संलिप्तता हो सकती थी सर? तो इसके बारे में वो तो डिटेल हमारे पास नहीं, और लोगों का नहीं मेरे पास। और लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी पुलिस क्या कर रही है? तो 3 लोगों का अभी हमारा बाकी है, हम लोग भी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे आने के बाद अभी 2 लोगों को हम गिरफ्तार करवाएं, और 3 लोगों का है, हम लोग लगे हुए हैं, उनका भी जल्दी करेंगे।